माँ आप इस यंत्र को कहीं सुरक्षित कर दीजिए, क्योंकि इसी की मदद से ये समय को पीछे कर सकता है। यही इसकी असली ताकत है। बालवीर, अब जब तक ये दानव पूरी तरह से पिघलकर दुर्लभ कुंजी नहीं बच जाता, हम सब इस पर नजर रखेंगे। लेकिन बालपरी, हमें पता कैसे चलेगा कि ये दानव चाबी बनना शुरू हो गया है? इसके हाथ पे लगे इस निशान से जैसे जैसे इसकी शक्तियां कम होती जाएगी, ये निशान कमजोर पड़ता जाएगा। हिम्मत तो मेरी इन आंखों में देखो। नहीं, आप इसकी आंखों में मत देखिए, ये इसकी चाल है। अगर आपने इसकी आंखों में देखा तो आपकी दृष्टि जा सकती है हमेशा के लिए। तैयार हो जाओ रे। अब जैसे ही चाबी तैयार होगी, हम उसे नकली चाबी से बदल कर यहां से ले जाएंगे। बट जब तक बालवीर यहां है, हमारा टास्क इजी नहीं होगा भाईमान। चिंता मत करो रे, तिम्नासा ने बालवीर को भारत नगर से दूर रखने की पूरी तैयारी कर ली है। अरे ओ रिंकू, कौन सा गाना गा रहे हैं भाई? अरे चिंटू, फिल्म लाल पत्थर का सॉन्ग है ये। और गाना गाया था किशोर कुमार जी ने, म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और लिरिक्स लिखी थी देवकोई जी ने। बिल्कुल सही कह रहा है। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी, तब मैं कॉलेज में हुआ करता था, और लाल पत्थर इस फिल्म का नाम था। और लाल पत्थर से मुझे याद आया कि लाल किले की परेड में उस वक्त। थैंक यू दादा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माँ 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 से गाना गाओ चिंटू, चिंटी तुम्हारी बारी। माँ से गाना ना, माँ से। आपको तो सांप ने काट डाला। करुणा जी, आप तो 74 से सीधा 7 पे। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो बच्चों, अब कुछ नाश्ता कर ले, मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। अरे रुकिए करुणा जी। अरे अरे लेकिन मैं आलू पूरी लेकर आई हूँ। अरे करुणा जी, आपकी आलू पूरी भी खा लेंगे, पर अगला स्टेशन आते ही कुछ गर्मा गर्म स्नैक्स खा लेते पहले। चलो चलो चलो। क्यों बच्चा? मैं ढोकला, समोसा, ब्रेड मिल्क खाऊंगा, और मैं पाव भाजी, पानी पूरी, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम खाऊंगी। हाँ। हाँ। और मैं भी खाऊंगा। अरे बच्चों, चिंटू चिंटी, ये रेलवे स्टेशन है, कोई होटल या खाऊ गली नहीं है। मामा मैं बस एक मैंगो जूस लूंगी। अरे बच्चों, सब कुछ मिलेगा, ये देखो स्टेशन भी आ गया। अरे क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? वो शायद ये वाला दरवाजा ना जाम हो गया, ये वाला कहीं। ठीक है। अरे ये भी जाम हो गया, ये भी नहीं खुल रहा है। क्या? अरे स्टेशन तो गया, गाड़ी क्यों नहीं रुकी? क्या? अरे गाड़ी का नंबर नहीं है। ओह नो, अगर ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दिया तो हम सबको रिपल इफेक्ट वापस देखने को मिलेगा, तो सब लोग टेस्ट के बगैर सब चीजों को। ये ट्रेन स्टेशन पे रुकी क्यों नहीं? अरे क्या टीटी सर, जो सवाल हमें आपको पूछना चाहिए वो आप हमें पूछ रहे हैं। अरे गिर पड़े, थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये कोई छेड़खानी का समय नहीं है, बिहेव योरसेल्फ। अरे टीटी सर, आप ड्राइवर को पूछिए ना कि उन्होंने ट्रेन स्टेशन पर रुकी क्यों नहीं। लोको पायलट जवाब दीजिए, ट्रेन आपने स्टेशन पर रोकी क्यों नहीं? लोको पायलट कमिन, आप लोग ट्रेन की चेन कीजिए, चेन कीजिए आप लोग। ये क्या, चेन खींचने के बाद भी ट्रेन रुकी नहीं? लगता ट्रेन के ब्रेक फेल हो चुके। इससे पहले कि ये लोग और पैनिक हो और हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए, उससे पहले मैं मैजिक से ही ट्रेन को रोक देता। अब
इस रेल को रोकने के लिए अगर बालवीर या परियों ने किसी भी जादू का प्रयोग किया तो ये अग्नि यंत्र सक्रिय हो जाएगा और इन बेचारों की अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। अब इस जलती हुई रेल को बुझाने बड़े बालवीर को भी आना पड़ेगा। अफसोस कि वो इस रेल को बुझा तो नहीं पाएगा लेकिन उसकी उंगलियां जरूर जल जाएंगी और इस जलती रेल की आड़ में मेरी योजना सफल हो जाएगी। सभी लोग आग से दूर हैं, तो मैं फिर से जादू से ट्रेन को रोकने की कोशिश करता हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ सीट्स और लगेज के जलने के कारण ये इतना जोर का धमाका कैसे हो रहा है। अरे आप सिर्फ सवाल ही पूछते हैं कि जवाब भी देते हैं कभी? इससे पहले कि पीछे डब्बों में लगी आग यहां तक पहुंचे रुकवाइए ट्रेन को। इसका मतलब मेरे मैजिक का उल्टा असर हो रहा है। मैं जब भी आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे मैजिक से आग और भी ज्यादा भड़क रही है। माँ परियो हमें सजग रहना होगा क्योंकि अगर टिक टिक दुर्लभ कुंजी बनते धरती को छू गया तो शौर्य के कहे अनुसार वो दुर्लभ कुंजी भस्म हो जाएगी। मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, छोड़ दो मुझे। वाह, दाद देनी होगी मुझे तुम्हारे अहंकार की। अभी थोड़ी ही देर में तुम पिघल कर सजीव से निर्जीव बनने वाले हो और हमें चेतावनी दे रहे हो। सारी खिड़कियाँ खुली हुई है, हमें दरवाजे भी खोल देने चाहिए। नहीं नहीं दादाजी, दरवाजा खोलेंगे तो कुछ और गड़बड़ हो सकती है। लेकिन दरवाजा नहीं खोलेंगे तो कंपार्टमेंट में धुआं भर जाएगा। अरे एग्जैक्टली, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस होती है। आई थिंक हमें एक तरफ का दरवाजा खोलना चाहिए ताकि जहरीली हवा अंदर ना भर जाए। अरे खोलो खोलो फटाफट खोलो। ये खुल क्यों नहीं रहा? यहाँ का जो दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। यहाँ का भी नहीं खुल रहा है। क्या करे? चलो चलो दूसरे कोट पे चलो। क्या चलो चलो दूसरे कंपार्टमेंट में चलो। आज आपको क्या हो गया? बार बार क्यों पतंगी की तरह आग में घुसना चाहते हैं? वाह चलिए ना। ये सब गड़बड़ क्यों हो रही है? कहीं रिंकू आग में तो नहीं रह गया?
पड़ अरे रिंकू, अरे वो रहा रिंकू, विमान उसको लेकर आ रहा है। विवान, तू रिंकू को बचाने के लिए आग में गया था? माँ, पहले रिंकू को होश मिलाते, फिर क्वेश्चन पूछेगा। फिर रिंकू, करुणा जी, आपका बेटा बहुत हिम्मत वाला है। शाबाश विवान, कीप इट अप। लेकिन हम सबके जान, अब इस जलती ट्रेन से कैसे बचाऊंगा मैं? रिंकू, रिंकू, मैंने अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर कंट्रोल रूम से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी को कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ट्रेन बिना लोको पायलट के चल रही है। क्या क्या बात कर रहे हैं दादाजी? इसका मतलब तो ट्रेन कभी भी पटरी से गिर सकती है। अब क्या होगा? अब हमें आगे के डिब्बों की तरफ बढ़ना चाहिए। आग तेजी से बढ़ रही है, चलो। लेकिन ऐसे एक डब्बे से दूसरे डब्बे में कब तक भागते रहेंगे? हाँ, और फिर छेले डब्बे में पहुँचने के बाद तो जगह भी नहीं रहेगी, तो फिर भाग के जाएंगे किधर? अरे हो सकता है छेले डब्बे में पहुँचे उसके पहले आग बंद हो जाए। अरे पूरी आग पहुँचेगी कैसे? फिर से सवाल ये गिर पड़े। इस बार बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे चलती ट्रेन में फायर ब्रिगेड कैसे आग बुझाने आएगी? अरे मिश्रा अंकल, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती तो क्या बालवीर तो आ सकते हैं? हाँ, चल उसको बुलाते। माँ, खुशी, सुतली और बाकी बच्चे मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। लगता है वो किसी मुसीबत में है। बट ऐसे कैसे पॉसिबल है? बच्चों के साथ तो विवान भी है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि विवान वहाँ खुद किसी मुसीबत में पड़ गया हो? आप चिंता मत कीजिए, मैं जांच करके आता हूँ। लेकिन बालवीर, अभी अभी हमें यहाँ दुर्लभ पूंजी मिलने वाली है, और इस समय तुम यहाँ से चले गए और कोई अनहोनी हो गई तो? नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ से जाने से पहले मैं घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगाऊंगा, जिससे अगर कोई भी बुरी शक्ति अंदर आने की कोशिश भी करेगी तो वो भस्म हो जाएगी। ओह नो भाईमार, सुना तुमने? अगर हम भी बालवीर की शील के अंदर रहे तो हम भी जल के भस्म हो जाएंगे। सुना मैंने, और मेरे पास इसका हल भी है। बालवीर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं और ज्वाला परी भी बाहर जाकर बालवीर के बनाए हुए रक्षा कवच पे नजर रखें। हाँ, ये ठीक होगा। ठीक है, चलिए। घर के ऊपर तो शील्ड लग गई है, अब टिक टिक को बाहर कैसे लाए? इसके लिए हमें तिमनासा की सहायता लेनी होगी। बारह तेरह चौदह, हाँ सब लोग कंपार्टमेंट में आ गए। तुमने ठीक से गिना है ना? पिछली बार की तरह कोई छूट तो नहीं गया? नहीं नहीं दादाजी, कोई नहीं छूटा है। रिंकू भी आ गए।
लेकिन हमारे हिंद ने बुलाने के बाद भी बालवीर अब तक क्यों नहीं आया? अगर इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर बालवीर ने देरी कर दी तो हम लोग सभी साग में पॉपकॉर्न बन जाएंगे। दिल से बुलाया बालवीर आए। विवाह के होते हुए इस रेलगाड़ी में आप कैसे लग गए? बालवीर प्लीज अपना मैजिक यूज करके ये फायर बुझा लीजिए। हाँ बालवीर प्लीज प्लीज। मैं अब टेलीपैथी से भी पार्टनर को वार्निंग नहीं दे सकता क्योंकि मैजिक किया तो आग और बढ़ जाएगी। जादू किया तो आग और भड़केगी। टिम्मी आंटी की चाल है ये। ओह इसलिए विवान भी कुछ नहीं कर पा रहा। बालवीर उस टिक-टिक दानों को पकड़ के ले आया है। दो दुर्लभ कुंजियां वीरलोक में है लेकिन फिर भी मुझे विनाश का दृश्य दिखाई देना बद की नहीं हो रहा है। डूबा डूबा। हाँ, जी शौर्य, आज्ञा दीजिए। तुम इसी वक्त धरती लोक जाकर बाल परी को मेरा संदेश दो कि वो लोग सावधान रहे। तिमनासा उनके हाथों से टिक-टिक दानों को छीनने का प्रयास अवश्य करेगी। के पास जाऊं वो भी अकेले? दबड़ दबड़ मेरा दिल दबड़ दबड़ कर रहा है। डूबा डूबा। ठीक है ठीक है, आपातकालीन यंत्र की मदद से अभी धरती लोक पर जाता हूं। ऐसे तुम्हारा अपना चहिता बालवीर धोबी के गधे की तरह कभी इधर कभी उधर भाग ही रहा है। बस एक बार पैरानी जीत जाए फिर मैं तुम दोनों को अपना नौकर बना के रखूंगा। मैं मालिक, तुम दोनों नौकर हैं। पानीरा मेरे पैर दबा, जीना हराम कर दूंगा तुम दोनों का। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी नींद ले लेता हूँ, थक जाता हूँ ना। ये परियों की रखवाली करना बहुत ही उबाऊ काम। चल तोबा तोबा सो जा। ज्वाला परी, इससे पहले कि मूर्ख जागे हमें इस शीशे को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। पूरी शक्ति लगा दो ध्वनि परी। जादू ना सही, अब ये बड़ा चुंबक इस रेलगाड़ी को रोकेगा।
मत। ये रेल धनुष के उस तीर की तरह है जो जाकर तुझे निशाने पर लगता है, और इसका निशाना पता है क्या है? इन सब की मौत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.